बहुत समय पहले की बात है, श्यामा नदी के किनारे शालवन नाम का एक विशाल वन था। उसका कोई और छोर नहीं था। उसी वन में शांतानंद नाम के एक साधु रहते थे। वे बड़े ही दयालु थे। यदि कोई मुसाफिर उधर से गुजरता तो साधु महाराज उससे प्रार्थना करते कि आप थोड़ी देर के लिए मेरी कुटिया में विश्राम कर लो, तब आगे बढ़ना। यात्री उनकी इस प्रार्थना को मान लेते और उनकी कुटिया में आराम भी करते। इसके बाद राहगीर उन्हें आशीर्वाद देते हुए अपने रास्ते चले जाते। इस तरह से साधु महाराज उस वन से गुजरने वाले यात्रियों की सेवा करते थे। उसी वन में जयमाल नाम का एक डाकू भी रहता था। जंगल से गुजरने वाले राहगीरों को लूटना उसका काम था। अगर कोई यात्री उसे धन माल देने में तनिक भी आनाकानी करता था तो जयमाल उसे मारने से हिचकता नहीं था। उसी के डर से लोग उस वन से गुजरने से पहले 100 बार सोचते थे, और अगर कोई हिम्मत करके उस वन में प्रवेश कर भी जाता तो डाकू जयमाल उसे लूट लेता। इस तरह से डाकू जयमाल का आतंक आसपास के सभी गांव में फैल चुका था। एक दिन की बात है, गांव के कुछ लोग इकट्ठा हुए और वे डाकू जयमाल से छुटकारा पाने के लिए आपस में योजना बनाने लगे। उनमें से एक ने कहा, जयमाल डाकू का आतंक तो दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है, उससे निपटने के लिए हमें क्या करना चाहिए। एक ने कहा, भाइयों, संगठन में बहुत ही शक्ति होती है, यदि हम सब मिलकर उस पर धावा बोल दें तो कैसा रहेगा। इससे तो हम सहज ही उसे अपने कब्जे में ले लेंगे, तब हम उसकी गर्दन उड़ाकर उसे मार देंगे। विचार तो तुम्हारा बहुत ही उत्तम है, तो फिर देरी किस बात की, आज ही जयमाल डाकू पर धावा बोल दिया जाए। उसी समय सभी लोग अस्त्रों शस्त्रों से लैस होकर शालवन की ओर चल पड़े। वन में पहुंचकर वो डाकू जयमाल को ललकारने लगे, कहां छिपा हुआ है डाकू जयमाल, बाहर निकल, देख आज हमें तो लूट नहीं पाएगा, तेरी मौत बनकर आए हैं आज हम, आज तू हमसे बच नहीं पाएगा। शिकार की टोह में झाड़ियों में छिपे हुए डाकू जयमाल ने जब इतने सारे लोगों को अपने विरुद्ध बोलते हुए देखा तो वो बुरी तरह से चौंक